जवाहरलाल नेहरू प्रसिद्ध वकील थे तथा मेरी माता श्रीमती स्वरूप रानी उदार विचारों वाली महिला थी। मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। मेरे मन में देश को स्वतंत्र कराने की इच्छा बलवती हुई। मेरी भेंट महात्मा गांधी से हुई। लंबे संघर्ष के बाद अंत में 15 अगस्त 1947 ईस्वी में देश आजाद हुआ। जब भांगड़ा नागल बांध बना तब मेरे मन में यह विचार उठा कि मनुष्य का सबसे बड़ा तीर्थ मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा वही है जहां इंसान अपने भलाई के लिए काम करते हैं। धन्यवाद। मैं स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू हूँ। मेरा जन्म 13 फरवरी सन 1879 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ था। मेरे पिता का नाम श्री अघोरनाथ चट्टोपाध्याय तथा माता का नाम वरदा सुंदरी था। आज मैं अपनी स्वर लिखित कविता आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। क्या यह जरूरी है कि मेरे हाथों में अनाज या सोने या परधानों के महंगे उपहार हों, और मैंने पूर्व और पश्चिम की दिशाएं छानी हैं, और मैंने पूर्व और पश्चिम की दिशाएं छानी हैं, मैंने शरीर पर मेरे शरीर पर अमूल्य आभूषण रहे हैं, मेरे शरीर पर अमूल्य आभूषण रहे हैं, और इनसे मेरे गर्भ के अनेक बच्चों ने जन्म लिया है, और इनसे मेरे अनेक बच्चों ने जन्म लिया है। कर्तव्य के मार्ग पर और सर्वनाश की छाया में ये कब्रों में लगे मोतियों जैसे जमा हो गए हैं वे पर्शियन तरंगों पर सोए हुए मौन है वे मिस्र की रेत पर फैले शंखों जैसे हैं वे पीले धनुष और बहादुर टूटे हाथों के साथ हैं वे अचानक पैदा हो गए और फूलों जैसे खिले हैं वे फ्रांस के रक्त रंजित दलदलों में फंसे हैं क्या मेरे आंसुओं के दर्द को तुम माप सकते हो या मेरी घड़ी की दशा को समझ करते हो या मेरी हृदय की टूटन में शामिल गर्भ को देख सकते हो और उस आशा को जो प्रार्थना की वेदना में शामिल हो और मुझे दिखाई देने वाले दूर दराज के उदास भव्य दृश्य जो विजय के क्षतिग्रस्त लाल पर्दों पर लिखे हैं जब घृणा का आतंक और नाद समाप्त होगा और जीवन शक्ति की दूरी पर एक नए रूप में चल पड़ेगा और तुम्हारा प्यार यादगार भरे धन्यवाद देगा उन कॉमरेड जो बहादुरी से संघर्ष करते रहे मेरे उन शहीद बेटों को मेरे शहीद बेटों के खून को याद रखना धन्यवाद।